टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया T20 सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। 5 T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उससे पहले गुरुवार को भारतीय कप्तान विराट कोहली ने स्पष्ट किया कि T20 मैच में भारतीय टीम की शुरुआत रोहित शर्मा और KL राहुल करेंगे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर के बेहतर प्रदर्शन के बाद आर अश्विन का टीम में जगह मुश्किल नजर आ रही है। उन्होंने कहा, रोहित अगर खेल रहे हैं तो ओपनिंग KL राहुल और रोहित ही करेंगे। दोनों टॉप ऑर्डर में काफी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिखर धवन स्क्वाड में शामिल रहेंगे। अगर KL राहुल या रोहित दोनों में से कोई एक नहीं खेलते हैं तब शिखर धवन पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं आर अश्विन की T20 वापसी के लिए सवाल पर कोहली भी चिढ़ गए थे। उन्होंने कहा, सवाल पूछते समय तर्क भी होना चाहिए। आप बताओ कि अश्विन को कहां रखूं? टीम में उनके लिए कहां जगह बनती है? वॉशिंगटन सुंदर शानदार प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में अश्विन को रखना संभव नहीं है। अगर सुंदर का प्रदर्शन खराब रहता तब ही अश्विन की जगह T20 में बन पाएगी। कोहली ने स्पष्ट किया कि फिटनेस को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फिटनेस के लिए निर्धारित मापदंडों को सभी पूरा करना होगा। वरुण चक्रवर्ती और राहुल तेवतिया फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके हैं। रोहित का पिछला अंतिम 2 T20 शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने भारत के लिए पिछले साल जनवरी फरवरी में 2 T20 मैच खेले थे जिसमें 65 और नाबाद 60 रन बनाए थे। वहीं पिछले 5 T20 मैचों में रोहित ने 3 हाफ सेंचुरी भी लगाए हैं। दूसरी ओर KL राहुल ने भी पिछले 5 T20 में भारत को अच्छी शुरुआत दी है। हालांकि उन्होंने केवल 1 हाफ सेंचुरी लगाई है। उन्होंने 39, 45, 51, 30 और 0 रन बनाए हैं।